प्रत्यावर्ती विभव को दिष्ट विभव में बदलने वाली युक्ति को दिष्टकारी या रेक्टिफायर कहते हैं और इस घटना को दिष्टकरण कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने अर्धतरंग दिष्टकारी की कार्यविधि थ्योरेटिकली समझी थी। आज हम अर्धतरंग दिष्टकारी बहुत सरल तरीके से प्रैक्टिकली बना लेंगे। आइए बनाते हैं अर्धतरंग दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए, ये अर्धतरंग दिष्टकारी का प्रायोगिक परिपथ यहाँ प्रदर्शित है और इसमें ये यहाँ एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हमने लगाया है जिसे आउटपुट के अक्रॉस हमने लगा दिया है। तो ये एक चेंज इस सर्किट में हमने यहाँ किया है, उसका कारण हम आगे समझेंगे ऐसा क्यों किया है। देखिए, यहाँ हमने ये 220 वोल्ट एसी से 6 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करने वाला एक अपचाई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया है और यहाँ से एक कनेक्शन हमने डायोड में दिया है। डायोड जो हमने यूज़ किया है वो 4007 है और ये यहाँ से एक और जो इसका लीड है वो निकल कर आया है। इस तरह से इसका डायोड का आया और ये यहाँ कैपेसिटर में लगा है। कैपेसिटर में जो लॉन्ग लेग है जिसको हम प्लस बोलते हैं, तो इसका प्लस ये डायोड के यहाँ से होते हुए आया है और ये इसका माइनस है वो ये नीचे वाले वायर में चला गया है। फिर ये दोनों वायर्स यहाँ आते हुए ये इस तरह से यहाँ एलईडी के प्लस में आया और ये एलईडी के माइनस में आया। सिंपल सर्किट है और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सिंपल तरीके से बताने की। ठीक है, अब क्या होगा कि ये यहाँ देख लीजिएगा, फिर से एक बार देखिएगा। अब इसको ये ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट टू 6 वोल्ट एसी और ये डायोड, और ये डायोड का ये यहाँ ये कैपेसिटर में प्लस और ये कैपेसिटर का माइनस, और ये कैपेसिटर का प्लस और एलईडी का प्लस कनेक्ट हुआ और ये कैपेसिटर का माइनस और एलईडी का माइनस कनेक्ट हुआ। ओके, चलिए अब इसको हम यहाँ प्रायोगिक रूप से इस परिपथ के अंदर देखते हैं। देखिए आप, देखिए जैसा कि हमने बताया था, ये यहाँ हो गया हमारा 220 वोल्ट एसी टू 6 वोल्ट एसी, हमारा ये वाला जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये, और ये गया यहाँ डायोड में। इस डायोड को पास में से दिखा दीजिए जरा, 4007 हमने यूज किया है, एकदम पास में से दिखाइए, बिल्कुल पास में से। ये देखिए ये डायोड, और ये यहाँ से ये देखिए, फिर ये देखिए ये यहाँ इस इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में गया, इसको दिखा दीजिए पास में से। ये देखिए इस तरीके से, और ये यहाँ ये जो कैपेसिटर है 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफेरेट का हमने यूज़ किया है और यहाँ ये एलईडी की एलईडी बल्ब के अंदर ये इस तरह से गया है। ये एलईडी का ऊपर की तरफ प्लस है और नीचे की ओर उसका माइनस है। तो इस तरह से ये हमारा सर्किट हमने कंप्लीट किया है। चलिए बल्ब को आप ऑन कर दीजिए जरा। देखिए बल्ब जल गया है, ये हमारा एलईडी जल चुका है, ये बल्ब ऑन हो गया है और इस पूरे सर्किट को एक बार देख लीजिए। अब इसमें क्या हुआ है कि जो हमारा ऑफ कर दें बल्ब, ऑफ कर दें बल्ब, बल्ब ऑफ कर देते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ है, इसको यहां दिखाई जरा ऊपर, हाँ इसमें दिखा दीजिए जरा। इसमें क्या हुआ है कि निवेशी सिग्नल का जो धनात्मक अर्धचक्र आया है, ये धनात्मक अर्धचक्र जब आया निवेशी सिग्नल का, तो इसमें डायोड अग्र अभिनत अवस्था में चला गया फॉरवर्ड बायस में। हम जानते हैं कि यहाँ ये प्लस ये पी से जुड़ेगा तो ये फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। तो जब ये धनात्मक अर्धचक्र में डायोड अग्र अभिनत या फॉरवर्ड बायस होगा तो यूँ कहें कि डायोड ऑन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कैपेसिटर चार्ज होगा। तो चार्ज कैसे होगा देखिएगा आप, ये ऐसे चार्ज होगा, ये कैपेसिटर ऐसे चार्ज होगा इस तरह से, ऐसे। और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड जो है ये ऑफ हो जाएगा, पर इस समय ये कैपेसिटर इस तरह से डिस्चार्ज होगा, इस तरह से, ये ऐसे डिस्चार्ज होगा, ये ऐसे डिस्चार्ज होगा। तो इस समय क्या होगा कि इसी फिल्टर कैपेसिटर के कारण जो एवरेज वोल्टेज जो हमको यहाँ आउटपुट में आने वाला है वो लगभग मैक्सिमम पीक वैल्यू के समान ही रहेगा। मतलब ये फिल्टर कैपेसिटर जो है परसेंटेज रिपल को रिड्यूस करेगा और हमें बल्ब एक जैसा जलता हुआ दिखाई देगा। नहीं, पूरे सर्किट को दिखाना है। चलिए देखिए ये इस तरह से,